दिए जी आते हैं, आरटीओ की टीम आती है, मनदीप सागवान आता है और कहता है बाहर निकालो नहीं तो तुम्हारे को इम्पाउंड कर देंगे तुम्हारी। देखिए गरीब लोगों का घर उजाड़ने का काम हो रहा है, गरीब लोगों का रोजगार छीनने का काम हो रहा है। एक तरफ सरकार रोजगार देने का काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, ई रिक्शा दी गई है, लोन दिए गए हैं वहाँ पर 40-35 रुपए किलो आटा हो गया जी। हमारा 15 साल हो गई राशन कार्ड नहीं बनाते और आयुष्मान कार्ड बनाते हैं वो भी नहीं बनाया जी, बताओ हम कहाँ से लाएंगे। अच्छा हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने कहाँ से गुजारा नहीं हो रहा जी हमारा। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोस्तों नमस्कार, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएमएफ न्यूज। इस समय खड़े क्रांतिमान पार्क में और मेरे पीछे जो नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं वो आम आदमी जो कि ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक यहाँ पे तमाम खड़े हुए हैं और एक मांग को लेकर के इनको जो शेड जो दिया गया था बस स्टैंड हिसार के अंदर उनको शेड से हटाया जा रहा है, उसको लेकर के आंदोलन चल रहा है और बातचीत करेंगे पूरी जानकारी। आप हमारे साथ में जो ऑटो चालक प्रधान है इनसे परिचय प्राप्त करें, पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मान सिंह दुग्गल नाम है जी मेरा, डिस्ट्रिक्ट प्रधान हूँ ऑटो यूनियन हिसार जी। तो ये लड़ाई जो पहले से भी चल रही थी और अब भी चल रही है, तो पहले बस वालों के साथ में अब प्रशासन के साथ में? अब भी बसों वालों के साथ मिली भगत करके हमारे को भगा जा रहा है। अच्छा हाँ जी, मामला क्या है पूरा मामला? मामला तो ये जी आते हैं आरटीओ की टीम आती है, मनदीप सागवान आता है और कहता है बाहर निकालो नहीं तो तुम्हारे को इम्पाउंड कर देंगे तुम्हारी गाड़ियाँ। ऑटो चालकों को और ई रिक्शा वालों को दोनों को ही निकाल रहे हैं। पहले जो सेट बनाया गया था उसकी स्थिति क्या थी? वो सेट बना के दिया था हमारे को सरकार ने और सरकार ने बना करके ना हमारे को सेट दिया, अब वो ये हमारे को निकाल रहे आरटीओ यहाँ से। तो कारण क्या मानते हैं इसके पीछे? पहले इतने साल कोई नहीं बोलता था। दिखाओ ये ऑर्डर है, हाईकोर्ट की कॉपी है। अच्छा। इसके अंदर ये प्रावधान लिख रखा है कि तुम्हारे को शेड बना के देंगे तो तुम जगह खाली कर देना। अभी शेड बना के देने दे रहे, वैसे ही खाली करवा रहे हैं हमारे से। यानी पहले शेड नहीं बनाया और पहले ही बोल रहे हैं कि आप खाली करिए, खाली कर दो जी। हाँ जी, तो अमित ग्रोवर जी हमारे साथ में जुड़े हुए, इनसे भी बात कर लेते हैं। तमाम जो ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक यहाँ पे खड़े हैं, तो अमित ग्रोवर जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जो मामला भी आ रहा है? देखिए गरीब लोगों का घर उजाड़ने का काम हो रहा है, गरीब लोगों का रोजगार छीनने का काम हो रहा है। एक तरफ सरकार रोजगार देने का काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, ई रिक्शा दी गई है, लोन दिए गए हैं वहाँ, प्रशासन इनको हटाने का काम कर रहा है और वो भी गलत कानून के आधार पर। कानून के हिसाब से जब दिया गया है कि पहले इनको स्टैंड बना के दिया जाएगा, नगर निगम की वैकल्पिक सुविधा करेगा, उसके बाद आप इनको हटाओगे, ना कि उससे पहले। उसके बाद ई रिक्शा का इसमें कहीं नाम नहीं है, ई रिक्शा को क्यों हटाया जा रहा है? दूसरा ये प्रशासन ने 1987 में बनाकर दिया था, उसके डॉक्यूमेंट है, जिला प्रशासन ने स्टैंड बना के दिया है, जिला प्रशासन जगह दी है, कोई अवैध रूप से नहीं खड़े है। तो इनको इनका घर जीवन यापन करने दिया जाए, इनको ना उजाड़ा जाए। तो हमारी यही मांग से जो ऑटो चालक वहाँ ऑटो लगा रहे थे, अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, तो अब हटाने की क्या नौबत आई? देखिए इनका कोई विवाद चल रहा है और उसकी शह पे अधिकारी उनका पक्ष लेने का काम कर रहे हैं। इन गरीब की जो मर हो जाती है ना, तो उनके पास कोई सिफारिश होती है ना, उनके पास इतना पैसा होता है कि वो चढ़ावा चढ़ा दें। तो ये गरीब लोग हैं, 200-300 रुपये की दिहाड़ी करते हैं, उनके ऊपर जोर चलता है, उन पर जोर चलाने का काम किया जा रहा है, लेकिन पूरा शहर हमारे साथ में है। अभी सिर्फ हमने 90 जो हैं चालक ई रिक्शा और ऑटो चालक बुलाए थे जो स्टैंड के अंदर खड़े होते हैं, जिनकी रोजी रोटी छिन रही है। उसके अलावा अगर दिक्कत आई तो पूरे हिसार का भी इकट्ठा करने का काम करेंगे। आंदोलन करने वाले हैं, क्या करने वाले? देखिए पहले प्रशासन से बात करेंगे, प्रशासन हमें इस कानून के हिसाब से चलता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो नहीं मानते तो हम सरकार से बात करने का काम करेंगे पहले, अगर कुछ नहीं होता तो फिर हम लोग इकट्ठे होने का काम भी करेंगे, हजारों की संख्या में कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो नगर निगम के जो है यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं, तो नगर निगम कहाँ तक इसमें? नगर निगम ने इसके अंदर पहले ऑटो स्टैंड को ऑटो बना करके देना है, ऑटो स्टैंड बना के देना है, उसको शेड बना के देना है, ये नगर निगम का काम है, इसके अंदर लिखा गया है। वो बना के नहीं दे रहा, उससे पहले उजाड़ने का काम तो नगर निगम का रोल है इसके अंदर। आरटीआई कार्रवाई करा तो आरटीआई को पहले नगर निगम से पूछना चाहिए कि इसके आधार पर पहले इनको जगह दे दी, उसके बाद आरटीआई ये कार्रवाई करे। तो ये सब चीजें हैं, सभी डिपार्टमेंट इसमें जो जो है उसकी जिम्मेवार है। तो आरटीओ से आप बात करेंगे? आरटीओ साहब से कल बात हुई थी, उन्होंने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमें, हमें समय भी दिया हुआ है, हमारा पक्ष वो सुनेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, बात रखने के बाद उनसे बात करेंगे कि क्या रहता है इसमें। तो दोस्तों ये तस्वीरें क्रांतिमान पार्क की, जहाँ पे ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक इकट्ठे हुए और अमित ग्रोवर जो कि पार्षद है यहाँ के हिसार के, इनके नेतृत्व में एक लड़ाई जो है ये अपनी मांग को लेकर के अपनी अधिकारियों से बात करेंगे, अगर बात नहीं बनी तो बड़ा आंदोलन करेंगे। हरियाणा गवर्नमेंट जो पीड़े कार्ड बनाने लग रही है उसमें हमारे जैसे ई रिक्शा वालों को ऑटो रिक्शा वालों को इनके बनाने चाहिए, लेकिन हमारे बने हुए अभी करते गवर्नमेंट ने कार्ड दिए।
इसके लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसके लिए किसी ऑफिस भी और करते हैं, हमने सीएससी सेंटर में भी कंप्लेंट करी है। हर बार 50 रुपए लगते हैं, हर बार ही लगते हैं। इसमें तो कोई भी काम करवाने जाओ हर बार ही पैसे लगते ही, गरीब आदमी कहाँ से भुगतेगा ये। तो आप जो बात कर रहे हैं रेट को लेकर के, जो बसे हैं वो 10 रुपए रेट है, आपका 20 रुपए है, तो इसके कारण भी क्या वो प्रॉब्लम आ रही है? बहुत असर पड़ रहा है काम को हमारा। अच्छा, ये कोरोना के बाद ही काम बंदा पड़ गया हमारा, डीजल भी खा जावा है, सवारी भी खा जावा कम रेट में। अच्छा, 10 रुपए 100% सवारी 10%। अच्छा, 80 वाले भी, बस वाले भी ले जावा है, और ये दूसरी बस भी ले जावा है, सवारी वाली भी ले जावा है। अच्छा, ले जावा है कुछ बनी ऑटो वाला है, 40-35 रुपए किलो आटा हो गया जी। हमारा 15 साल हो गया राशन कार्ड नहीं बनाते, और आयुष्मान कार्ड बनाते हैं वो भी नहीं बनाया जी, बताओ हम कहाँ से लाएंगे। अच्छा, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने कहाँ से गुजारा नहीं हो रहा है जी हमारा।